अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़ा करी, और जो हर घर में पकाई जाती है अलग अलग तरीक़ों से, और मैं बनाऊँगी सबसे अलग, और यकीनन आपको ज़रूर अच्छी लगेगी वो रेसिपी। मैं आपको पहले कढ़ी बनाने की चीज़ें बताऊँगी, और फिर उसके बाद पकोड़ों का मसाला बताऊंगी कि कैसे बनाए जाते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और फ्राई किया हुआ प्याज। इसके अलावा इसमें जाएगा गरम मसाला, सुर्ख मिर्च, ज़ीरा और धनिया पाउडर। कढ़ी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये सारी चीज़ें जाएंगी। और जनाब ये जो आपको आइटम्स दिखा रही हूँ ये है पकोड़ा बनाने की, यानी कड़ी पकोड़ा जो हम बना रहे हैं उसके लिए ये चीज़ें यूज़ होंगी, जिसमें प्याज है, सूखा धनिया है, सोडा है यानी बेकिंग सोडा, और साबित धनिया हमें चाहिए खुश्क, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा। ये सारे आइटम हैं कड़ी बनाने के, जिसमें ज़ीरा, हल्दी, सुर्ख मिर्च, नमक और कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही और सूखा बेसन, ये सब हमें चाहिए होगा कड़ी बनाने के लिए। अब इसमें हमने सूखा बेसन डालना है और इसको फ्राई करना है ड्राई फॉर्म में। अब देखिए स्लाइटली इसका कलर चेंज हो चुका है और इससे खुशबू भी आने लगी है ड्राई बेसन की। अब ऑयल में हमने डालना है कड़ी पत्ता, ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही लेना है, और इसके बाद डालना है ज़ीरा, और इसके बाद फिर हमने डालना है अदरक लहसुन, अदरक लहसुन डालना है तो मिक्स करें। अब इसमें डालनी है लाल मिर्च, इतनी डालनी है जितनी आपको चाहिए, हल्दी, नमक कितना डाल रहे हैं जितना चाहिए, ख्याल रहे कि इतना रहे जितना होना चाहिए। अब इसको मिक्स करना। सूखा बेसन जो हमने ड्राई किया था वो हमने दही के साथ मिक्स कर लिया है, और इसमें अब इस तरीके से चमचा चला रहे हैं मज़ीद पकाने के लिए। अब इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि जितनी क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से पानी डालना है इसके अंदर, एक जग का हिसाब रख लें या आधे जग का, जितने बंदे उतनी क्वांटिटी में चाहिए वो आप इसमें डाल दें। अब इसको बॉयल आने दें। पकोड़ों के लिए सूखा बेसन हमने डाल दिया है, अब इसमें थोड़ा सा पिंच सोडा डालना है, और इसमें प्याज भी डाल दिया
और अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे, और स्पाइसेस में डालना है इसमें नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च और हल्दी, ये है जीरा। इसमें हमने डाला है लाल मिर्च, नमक, जीरा और हल्दी डाली है, ये सारी चीजें डाली हैं। अब इसको मिक्स करना। कड़ी पकौड़ा के लिए मटेरियल हमने तैयार कर लिया है पकौड़ों का, अब इसको हमने डालना है। और ये देखे पकौड़े मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं, अब ये जब फ्राई हो जाएंगे तो आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखें अब कड़ी जो है वो थिक हो चुकी है, और दूसरी तरफ हम पकौड़ों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ पकौड़े ना हो तो समझे कुछ भी नहीं, डिश मुकम्मल ही नहीं होती। अब जनाब इसमें हो रहा है तैयार तड़का, उसके लिए प्याज डालना है, ये पहले से ब्राउन किया हुआ था, क्योंकि मैं जब तड़के टाइप की चीज़ें होती हैं या वैसे भी ज़रूरत पड़ती है कुकिंग में तो प्याज पहले से ब्राउन करके मैं रख लेती हूँ। लहसुन, अब ये देखें लहसुन हो चुका, तो लहसुन के बाद इसमें हमने डालना है जीरा और कड़ी पत्ता। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, भली खुशबू आ रही है। ये देखें जी इसमें तड़का जा चुका है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और जनाब ज़बरदस्ती कड़ी पकौड़ा हाजिर।